दुर्ग में एक दिन पहले डीजीपी अशोक जुनेजा ने भलाई के कंट्रोल रूम में 9 घंटे मैथन मीटिंग के बाद दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक पल्लव पूरे पुलिस बल के साथ देर रात गश्त पर निकले। इस दौरान सभी वाहन चालकों को रोककर चेक किया गया। वे की शराब पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं। इस दौरान एसपी ने नशे में धोते एक डॉक्टर को शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों को सीट बेल्ट न लगाने को लेकर भी फटकार लगाई। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एएसपी सिटी संजय ध्रुव और भलाई क्षेत्र के सभी थानों के टीआई के साथ देर रात गश्त पर निकले। आपको बता दें कि इस दौरान 100 से अधिक पुलिस बल उनके साथ मौजूद रहा। पुलिस अधीक्षक ने भिलाई नगर थाने के सामने से जाने वाले मुख्य मार्ग में सभी वाहनों को रुकवाया और उसके बाद एक एक गाड़ी को चेक किया। इस दौरान बाइक से लेकर कार चालकों तक की जांच की गई। चालक और गाड़ी में बैठे लोग शराब पिए हैं या नहीं, एसपी ने कार चालक को सीट बेल्ट न लगाने के लिए जमकर फटकारा और अपने सामने सीट बेल्ट लगवाई। चेकिंग के दौरान एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने डॉक्टर को शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए जमकर फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि डॉक्टर ने आर्ग्यूमेंट करने पर एसपी भड़क गए। वहीं उन्होंने सभी लोगों को कार से उतरवाकर कार की तलाशी ली। उसमें शराब की खाली बोतल और रैपर भी मिला, जिसके बाद उन सभी को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। साथ ही एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि उन्होंने रात में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले, बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने वालों को समझाइश दी गई। जयंती स्टेडियम में भी बड़ी संख्या में लोग नशा करते पाए गए। पुलिस ने सभी को समझाइश दी है। इसके बाद आगे लगातार चेकिंग करके कार्रवाई की जाएगी। थाने के अपराध की समीक्षा हुई और उसके बाद फ्लैग मार्च निकाला गया। अपना सिविक सेंटर और जयंती पार्क में चेक किया गया। रास्ते में आने वाले जो लोग थे उनको चेक किया गया। जो दुकानें खुली हुई थी उसको बंद कराया गया। जो ढाबे और पान ठेले सब खुले हुए थे उनको भी बंद किया गया। उनको अंतिम चेतावनी दी गई। रास्ते में ज्यादातर लोग जो है वो काफी लोग पिए हुए थे, काफी लोग बिना हेलमेट के थे, ज्यादातर लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। सबको समझाइश दी गई है। जयंती स्टेडियम में भी कुछ लोग संदिग्ध हालत में मिले।